हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विजन यूपीपीएससी चैनल में। मेरा नाम है शिवम चहल। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूपीपीएससी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट बुक्स और स्ट्रेटजी पे मैं डिस्कस करूँगा। बहुत लोगों के मैसेज आ रहे थे बुक्स रिलेटेड और इन्फॉर्मेशन लेने के लिए। साथ में आप हमारे जो टेलीग्राम के ग्रुप्स हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मैंने यूपीपीएससी मेंस के नाम से ही बना रखे हैं। आपको बस टाइप करना है सर्च बार में @UPPCSMains1, @UPPCSMains2, Mains3 और Mains4। इस तरह से आप चारों जो ग्रुप हैं उनको ज्वाइन कर सकते हैं। हर ग्रुप में अलग से जो मटेरियल होगा वो मैं दूंगा, साथ में जो इम्पोर्टेंट बुक्स हैं वो बता भी दूंगा, और इसमें जो NCERTs हैं उनका जो लिंक डाल दूंगा या जो बुक है उसको अपलोड भी कर दूंगा। तो जो भी आपको मटेरियल मिलेगा वो सारे के सारे ये ग्रुप हैं, इनको आप ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो इसमें जो मिल जाएगा, साथ में इस वीडियो के नीचे मैं लिंक भी दे दूंगा उन ग्रुप्स का, जहाँ पर जाके आप क्लिक करके उसमें ऐड हो सकते हैं। UPPCS मेंस के लिए जो बुक्स हैं हम लोग देखना स्टार्ट करते हैं। तो पेपर वाइज मैंने इनको जो टॉपिक से बांटा है, तो पहले हम देखते हैं सबसे पहले पेपर में। और इसमें ऐसा नहीं है कुछ फिक्स कि एक जगह से ही सारे क्वेश्चन आ सकते हैं, इसलिए हम दो दो तीन तीन जो स्रोत हैं उनका यूज़ करेंगे, ठीक है। तो इसमें इम्पॉर्टेंट ये है कि जो लोग वर्किंग हैं, पढ़ाई पर ज़्यादा टाइम नहीं दे सकते, तो उनको ऑब्वियसली बात है कि किसी के नोट्स प्रेफर करने चाहिए, उनको कोई बुक्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। और जो लोग जॉब नहीं करते, स्टूडेंट हैं, उनके लिए बहुत टाइम है, या जो लोग कोचिंग कर रहे हैं ऑलरेडी, उनके पास भी बहुत टाइम है कि वो जाके इन सारी बुक्स को देख सकते हैं। बस दो चीज़ का अंतर होता है, एक होता है ब्रॉड नॉलेज का, ठीक है, आपको डायमेंशंस ज़्यादा पता लग जाते हैं बुक्स को पढ़ने के बाद में। नोट्स जो होता है वो शॉर्ट होता है और उसमें डायमेंशंस नहीं होते, नोट्स जो कहते हैं आपको वो याद करना पड़ता है और आप वही जाकर लिखते हैं, ठीक है। लेकिन बुक्स में बहुत सारे डायमेंशंस होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, जो आपको नोट्स में नहीं मिलते, ठीक है। तो ये अंतर है दोनों के स्रोतों में और आपके ऊपर कि आपको क्या और कैसे यूज़ करना है। तो इसमें मेंस में सबसे पहले एक बात बता दूं कि जिस तरह का अब जो पैटर्न है यहाँ पर हमारे साथ में, दो चीज़ों पे आपको ध्यान रखना है कि रीड मिनिमम, यानी कि आपको कम से कम पढ़ना है। जब आप एग्ज़ाम देने जाएंगे तो कम पढ़ेंगे तब आप ज़्यादा याद कर पाएंगे, ठीक है, मतलब याद आपको हो जाए। अगर आप ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको याद भी कम रह जाएगा, तो आपको कम पढ़ना है ताकि आप ज़्यादा याद कर सकें और आप ज़्यादा लिख सकें, ठीक है। और साथ में थिंक मैक्सिमम, आपको ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है, ठीक है, उस टॉपिक के बारे में, और बाद में एनालाइज करना है और आपको राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। ये तीन चीज़ें हैं जो अब का जो मेंस का जो पैटर्न हो गया है जिसमें ये चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं पहले से। सबसे पहले हम देखते हैं पेपर 1। पेपर 1 में हिस्ट्री का जो पोर्शन है हमारा चार जगह बैठा हुआ है। एक तो आर्ट एंड कल्चर का पोर्शन है, दूसरा मॉडर्न हिस्ट्री का है, तीसरा आज़ादी के बाद भारत है, और 14 है वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पर याद रखना आप कि यहाँ पर जो एंशियंट मिडेवल और हमारा जो मॉडर्न है, यहाँ पर तीनों के कौन सा आर्ट एंड कल्चर की बात यहाँ पर की जा रही है। यहाँ पर पॉलिटिकल इशू की बात नहीं हो रही, यहाँ पर इकोनॉमिकल इशू की बात नहीं हो रही, सिर्फ आर्ट एंड कल्चर वो एग्ज़ाम में जो है पूछा जाएगा, ठीक है। साथ में मॉडर्न हिस्ट्री के लिए जो है, और बाद में आज़ादी के भारत की बुक, ये सारा। तो यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर में ये जो एंशियंट मिडेवल और मॉडर्न से जो आएगा पोर्शन आएगा वो आर्ट एंड कल्चर से संबंधित होगा, ठीक, कला और संस्कृति के बारे में, स्थापत्य कला के बारे में आपसे पूछा जाएगा। तो स्रोत है एक CCERT के जो नोट्स आते हैं मार्केट में, हिंदी में आते हैं, इंग्लिश में आते हैं, दोनों मीडियम में आते हैं, या नेट पे भी आपको आसानी से अवेलेबल हो जाएगा। साथ में NIOS के नोट्स भी आते हैं, तो इन दो में से एक ले सकते हैं अगर आपको शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो। उसके बाद में दूसरा जो इम्पोर्टेंट स्रोत है वो है 11th की NCERT है, इसको आप ले सकते हैं। और थर्ड है प्राचीन और मध्यकालीन जो ओल्ड NCERT आती है हमारी, इसको भी आप रेफर कर सकते हैं, ठीक है। साथ में आधुनिक जो भारत, आधुनिक हिस्ट्री के बारे में जो बात होती है हमारे, तो उसमें स्पेक्ट्रम की जो बुक आती है मॉडर्न हिस्ट्री की, वो तो बेस्ट बुक है, ठीक है, आप उसको ले सकते हैं, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। साथ में ओल्ड NCERT अगर आप चाहें तो इसको भी आप पढ़ सकते हैं। आज़ादी के बाद भारत में आपके लिए दो तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। VIS का नोट्स है, बहुत अच्छा नोट्स है, अगर वो चाहें तो आप उसको ही पढ़ सकते हैं। बिपिन चंद्रा की जो बुक है उसको पढ़ के ज़रूर जाएँ, ठीक है, ये अच्छा कॉन्सेप्ट बनाती है, इनकी आती है आज़ादी के बाद भारत, यही नाम है उस बुक का, बिपिन चंद्रा की है।
और साथ में अगर आपको और भी चीज़ें जाननी है, याद करना है, तो प्रधानमंत्री का एक टीवी चैनल यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, सारे वीडियोस डले हुए हैं, आज़ादी के बाद से कैसे कैसे भारत में जो है राजनीतिक परिवर्तन आए, तो ये सारी चीज़ें आप जो है कि इस सीरियल से देख सकते हैं, आसानी से आपको याद हो जाएगा। साथ में वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए आपको जो हमारी न्यू NCERT है आप उसको देख सकते हैं, और साथ में मुरनाल मुरनाल के जो वीडियोस हैं यूट्यूब पे पड़े हुए हैं, आप सर्च डालेंगे मुरनाल वर्ल्ड हिस्ट्री तो ये आ जाएगा। हालांकि वहाँ पर लिखा इंग्लिश में होता है लेकिन उन्होंने समझाया हिंदी में है, तो आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में ज्योग्राफी में बात करें तो 8th से लेकर 12th तक की जो NCERT है उसको पढ़ना है। साथ में GC लोइंग की जो बुक है वो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, वो पढ़ सकते हैं उसको। साथ में एटलस की जो मैपिंग के लिए एटलस जो आप जो है ऑक्सफोर्ड की जो आती है वो ले सकते हैं। साथ में जो मुरनाल के वीडियोस हैं वो भी पढ़े हुए हैं, इंग्लिश में वहाँ पर लिखा होगा लेकिन हिंदी में समझाया है, सारे जो ज्योग्राफी के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो सारे के सारे कवर किए हैं, तो यहाँ से आप देख सकते हैं। साथ में इम्पोर्टेंट ये है कि इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैप का यूज़ करना है, ठीक है। तो कोशिश करें मैप बनाना सीखें, ताकि अगर दूसरा नहीं बना रहा है तो आपको नंबर ज़रूर बढ़ के मिलेगा। उसके बाद में सामाजिक मुद्दे, यहाँ पर सोशोलॉजी की जो NCERT आती है उसको पढ़ लीजिए, विजन IAS के नोट्स भी देख सकते हैं, साथ में न्यूज़पेपर में जो इम्पोर्टेंट करंट में जो मुद्दे चल रहे हों उनको भी आप देख सकते हैं। अगला है पेपर 2 में, तो पेपर 2 में क्या पढ़ना है हमको, पॉलिटी के लिए हमको लक्ष्मीकांत की राजव्यवस्था आती है और एक आती है गवर्नेंस, दो बुक आती हैं, तो इसके जो है कुछ टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, इसको पूरा पढ़ना है, ठीक है। हालांकि अगर आप एक पढ़ लेंगे तब भी काम चले जाएगा, लेकिन कुछ टॉपिक इसमें अच्छे से दिए हुए हैं तो इसको चाहे पढ़ सकते हैं। साथ में BGNIS के नोट्स ले सकते हैं पेपर 2 के, और जो है न्यूज़पेपर तो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा। और इम्पॉर्टेंट है कि करंट का इशूज़ जो है वो पॉलिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जैसे केजरीवाल का और दिल्ली में LG का हमेशा लड़ाई होता रहता है, या बाकी जो मुद्दे आते हैं, या किसी तरह के कानून, जैसे मान लीजिए अगर दल बदल में कानून हो गया, ठीक है, या लोकपाल में क्वेश्चन हो, तो करंट का जो इशू होता है ना उसके ऊपर ज़्यादा पूछा जाता है क्वेश्चन, तो करंट से आप जुड़े रहना है। कोई भी बुक जैसे दृष्टि IAS का मैगजीन होता है तो उसको जो है प्रेफर कर सकते हैं आप, तो उसमें सारे मुद्दे इस तरह से आ जाएंगे। इंटरनेशनलेशन के लिए क्या करना है, राज्यसभा TV आपको देखना ही देखना है, मस्ट है ये। साथ में न्यूज़पेपर और करंट इशू ज़्यादा है, और साथ में अगर आपको एक बैकग्राउंड तैयार करना है हमारे इंटरनेशनलेशन के बारे में, तो अब BP दत्ता की किताब हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आती है, इस बुक को आप खरीद सकते हैं। उसके बाद पेपर 3 की बात करें तो इकोनॉमी के पोर्शन के लिए आपको रमेश सिंह की बुक लेना है, हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रमेश सिंह आती है। दृष्टि की जो करंट की बुक आती है इसमें इकोनॉमी के इश्यूज अच्छे रहते हैं। साथ में जो मुरनाल की वीडियोस हैं वो तो ऑशम है, हालांकि वो इंग्लिश में ही लिखा हुआ होगा लेकिन हिंदी में उन्होंने समझाया पूरी वीडियो में, तो इसके जो मेन मेन टॉपिक है वो आप यहाँ से कवर सकते हैं। इकोनॉमी में जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि आपको जो है डाटा कलेक्ट करके रखना है, फैक्ट देखना है कि मान लीजिए जैसे हमारा राजकोषीय घाटा कितना हो गया, हमने क्या परिवर्तन किया, या बाकी और चीज़ें जैसे हमारे एक्सपोर्ट इंपोर्ट में, ठीक है। तो डेली जो न्यूज़ आती है उसके साथ में जो मंथली जो बुक्स आती हैं इकोनॉमी से रिलेटेड, ठीक है, तो उनको आपको पढ़ना है। और इसमें इम्पॉर्टेंट है कि आपको डाटा ज़रूर रखना है अपने साथ में, ठीक है। डाटा रखेंगे तभी एक आंसर सही होगा, वरना इकोनॉमी में खाली डेफिनेशन नहीं बतानी है किसी चीज़ के बारे में, डाटा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये पोर्शन, बाकी किसी में डाटा नहीं है लेकिन ये पोर्शन ऐसा है कि इसमें आपके लिए डाटा की इंपॉर्टेंस बहुत ज़्यादा होगी। साइंस टेक के बारे में देखें तो न्यूज़पेपर करेंगे आप तो उससे कम्प्लीट हो जाएगा। साथ में साइंस मॉनिटर करके राजसभा TV पर एक चैनल जो है आता है, तो उसको जो है आप देख सकते हैं। और साथ में दृष्टि की जो बुक्स आती हैं उसमें जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी आ गया, रोबोटिक्स आ गया, तो ये सारी चीज़ें जो है आती रहती हैं करंट में, तो इससे आपका कवर हो जाएगा। तो ज़्यादा समय देने की ज़रूरत नहीं है और डाटा भी इसमें ज़्यादा कलेक्ट करने की आपको आवश्यकता नहीं है। ये सारी चीज़ें करेंगे तो आपका जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। उसके बाद में अगर हम देखें यहाँ पर दूसरा है हमारा इंटरनल सिक्योरिटी की अगर बात करें, सॉरी ये आर हो गया, ये एस होना चाहिए, इंटरनल सिक्योरिटी अगर हम बात करें तो यहाँ पर आपको IPS जो हमारे अशोक कुमार सिंह हैं उनकी जो बुक आती है, ठीक है, इंटरनल सिक्योरिटी के लिए, तो वो जो है आप ले सकते हैं। साथ में VGNIS के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी इसमें अच्छे रहेंगे। अगर हमको डिजास्टर मैनेजमेंट देखना है तो हमें 11th की NCERT ही देखनी पड़ेगी, सप्लीमेंट्री बुक है, और उसका जो लिंक है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में जो है डाल दूंगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। साथ में VGNIS के जो शॉर्ट नोट्स हैं वो भी आप जो है वो ले सकते हैं।
पेपर फोर के लिए हमें क्या करना है, पेपर फोर में हमारे जो एथिक्स है उसके लिए पहले दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आपको लेक्सिकॉन का बुक लेना है। लेक्सिकॉन का बुक हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आता है। अब तो खैर उसकी पीडीएफ जो है फोटोस्टेट मिलती है, ओरिजिनल बुक नहीं मिलेगी। और साथ में जो मुन्नाल की जो वीडियोस पड़ी हुई हैं उनको भी आप देख सकते हैं, डेफिनेशंस वगैरह इसमें खूब बताई गई है। कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं इसमें, केस स्टडी जो कि हालांकि जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनमें लगातार आती रहती हैं, तो आप उनको बनाओ, सुलझाओ और दूसरों से भी पूछो। तो ये जो टेक्निक है ये इसमें बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। साथ में डेफिनेशंस आपको एकदम रट के रखना है और शब्दों का चयन, मतलब आप कभी जब केस स्टडी लिख रहे हों किसी के भी ऊपर, तब आपको जो है एप्टीट्यूड का और आपने जब ये सारे वर्ड्स जो है इस तरह के वर्ड्स उसमें यूज़ करने हैं, ठीक है। तो शब्दों का आपको चयन करना है, डेफिनेशंस उनकी अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। करीब 14-15 डेफिनेशंस हैं, अच्छे से आप याद रखेंगे तो एक अच्छी केस स्टडी लिख पाएंगे। तो इसमें इंपॉर्टेंट है कि जो करंट का इशूज़ होते हैं अब वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। अब इसमें बात आती है कि हमें किसका नोट्स लेना चाहिए। तो देखिए नोट्स के लिए मैं दो ही प्रेफर करूँगा आपको, या तो आप बीजन आई एस का नोट्स ले सकते हैं और दूसरा जो आता है वो आता है दृष्टि आई एस का, ठीक है। इन दोनों का जो नोट्स है बेस्ट है। अब इम्पॉर्टेंट ये है कि दृष्टि आई एस जो बीजन आई एस का जो नोट्स है वो उसकी करीब 22 से 25 बुकलेट्स मिलेंगी आपको। अगर आप दृष्टि आई एस का ख़रीदने जाएंगे तो आपको बुकलेट्स करीब मिलेंगी 40 या 40 से ज़्यादा, ठीक है। हालांकि वो टाइम टू टाइम वेरी करता है कि उसके पास कितनी बुक हैं। तो अतुल फोटो स्टोर दिल्ली में है, अगर जो जो बाहर हैं दिल्ली से लोग तो अतुल फोटो स्टेट पे जो है गूगल पे आप सर्च करेंगे, टेलीग्राम में सर्च करेंगे, कहीं भी करेंगे तो आपको कॉन्टैक्ट नंबर उनका मिल जाएगा, आप वहाँ से उनसे परचेज़ कर सकते हैं। फोटो स्टेट उनका अच्छा रहता है, ठीक है। तो ये जो है बाहर लोगों के लिए, बाहर के जो लोग हैं वो करवाना चाहें तो इसमें ये तो प्रेफरेंस मेरा है कि अगर आपको बुक्स से रेडी करना है सारी चीज़ों को, हालांकि जो लोग देना चाहते हैं अच्छे से तो उनको बुक तो पढ़ना चाहिए क्योंकि नोट्स हमें सारी चीज़ों के बारे में नहीं बताते। लेकिन जो रैंग ने आपको बताया था मैंने कि कम पढ़ना है, और कम हम कैसे पढ़ेंगे जब हम इनका शॉर्ट नोट्स रेडी कर लेंगे। आप ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिए कि इसके शॉर्ट नोट्स आपके पास रेडी हो जाएँ, और पहली बार में अगर चाहें तो ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 चीज़ों का जो है आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन जैसे एक दो जैसे एनसीईआरटी आपको ज़रूर पढ़ना है कि एनसीईआरटी एक बेसिक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा बता देती है हमें। तो हमें अब क्योंकि अब क्या है, अब फैक्ट नहीं आता, ठीक है, अब फैक्ट वाली कोई चीज़ नहीं है। तो इम्पॉर्टेंट यही है कि आपको थिंक मैक्स मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सोचना है। तो जाहिर सी बात है अब ज़्यादा से ज़्यादा सोचने के लिए आपके पास उस तरह की नॉलेज होनी चाहिए। तो इसके लिए अब एनसीईआरटी की इम्पोर्टेंस बढ़ गई है, हालांकि पहले नहीं थी। तो ये जो है मेंस का था। साथ में डिफेंस स्टडी ऑप्शनल के लिए एक मैं वीडियो बना रहा हूँ, उसमें जो है मैं डिस्कस करूँगा सिलेबस में जो कुछ अब ज़्यादा क्लियर हो गया है, और साथ में पिछले साल जो पेपर आया उसके ऊपर, और नेक्स्ट ईयर हम लोग जो है उसको कैसे कवर करना चाहिए। थैंक यू।